हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लम्बाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन आई है, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपका मिलता है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी आपकी स्पेशल, हम बात करें यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा जो भी आपकी फेलोशिप भी दी जाती है वो आपकी यहाँ पर स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ये आप याद रखें। यहाँ पर दूसरी बात करें अप्लीकेशन फीस की, तो आपके जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और ओबीसी जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी 1000 रुपये फीस रहने वाली है, और जो भी एडिशनल जो भी आपके सब्जेक्ट अगर चूज करेंगे तो आपको 400 एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। इसके साथ साथ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस होने वाली है, और आपके यहाँ पर जो भी एडिशनल फीस होगी पर सब्जेक्ट आपकी 150 रहने वाली है, राइट। तो यहाँ पर आपकी लास्ट जो डेट है आपकी अप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन, वो आपकी 15 सितंबर है। इससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये आपका ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पर अप्लीकेशन गाइडलाइन की बात करें, जो आपकी पीएचडी प्रोग्राम के लिए बात करें, क्योंकि एमफिल तो आपका यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो ही गया है, यहाँ पर पीएचडी की स्पेशल बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आपका एडमिशन लेना चाहता है वो 55% उसके मार्क्स होने चाहिए, यूजीसी 7 स्केल पॉइंट स्केल की उसकी इक्विवेलेंट आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी आपके रिलैक्सेशन है 5% आपके एवरी कैंडिडेट को दी जाएगी, ये आप याद रखें, राइट। तो ये आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट नॉन क्रिमिनल में, उनके लिए 5% आपकी एडिशनल आपकी रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं आपके यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट, स्लैट, गेट, टीचर फेलोशिप, या फिर आपके एमफिल डिग्री जिन्होंने भी आपका विश्व भारती से ऑप्टेन की है या प्राप्त की है, या फिर और किसी यूनिवर्सिटी से आपने प्राप्त की है जो कि यूजीसी के मिनिमम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी एमफिल अगर आपको मिली है तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं विश्व भारती में, और एमफिल की डिजिटेशन भी आपकी वैल्यूट हो चुकी है, वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू भी हो चुका है, पेंडिंग है या हो चुका है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए यहां पर आपके एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, राइट। तो ये यहां पर याद रखें कि जो भी कैंडिडेट यहां पर नेट सेट गेट टीचर फेलोशिप नहीं है फिर नहीं है तो उसको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट में आपका यहाँ पर 50% तो आपके मार्क्स होंगे वो आपके यहाँ पर क्वालिफाइड आपको करना होगा, और 50% आपका रिसर्च मेथोलॉजी और 50% आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका रहने वाला है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जो भी ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट है सेंटर है वो आपका रिसर्च जो आपका इंटरेस्ट एरिया है उसके थ्रू आपकी एक प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी के द्वारा ली जाएगी। इंटरव्यू और वॉइस जो आपका है उसमें आपके कुछ एस्पेक्ट्स को याद रखे ध्यान रखा जाएगा, जो कि आपके ये तीन दिए हुए हैं, इसमें आपके प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल और आपके डिपार्टमेंट सेंटर को सभी चीजें आपके एडिशनल नॉलेज आपको देनी होगी। इसके साथ साथ पीएचडी की सीट्स के बारे में विवरण देख लेते हैं, तो यहाँ पर बंगाली की आपकी 12 सीट्स हैं, आपके यहाँ पर फ्रेंच की आपकी 2 सीट्स हैं, आपके यहाँ पर कंपेरेटिव लिटरेचर के 2 सीट्स हैं, आपकी अरेबिक पर्शियन और उर्दू की आपकी 5 सीट रहने वाली है, इंग्लिश में आपकी 3 सीट हैं, आपके इंडो तिब्बतन में आपकी 5 सीट हैं, जापानीज में आपकी 8 सीट हैं, उड़िया में आपकी 6 सीट हैं, संस्कृत में 15 सीट हैं, और तमिल में आपकी 2 सीट रहने वाली हैं। विद्या पाल भवन में अगर बात करें कोर 2 है जिसका, इसमें आपकी पीएचडी की सीट्स हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आपके 7 सीट हैं, इकोनॉमिक्स में 12 सीट हैं, ज्योग्राफी में आपकी 3 सीट रहने वाली हैं जिसमें से आपके 2 सीट जनरल की और आपकी 1 सीट ओबीसी की रहने वाली है, फिलोसफी और कंपेरेटिव रीजनल में आपकी 2 सीट, एंथ्रोपोलॉजी में 3 सीट, सेंट्रल जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 सीट और हिस्ट्री में 5 सीट रहने वाली हैं। यहाँ पर शिक्षा भवन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बात करें तो पीएचडी की यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीट है, बोटनी में आपकी 14 सीट है, और इसके साथ साथ आपकी केमिस्ट्री में 34 सीट रहने वाली है, यहां पर कंप्यूटर साइंस में 8 सीट है, एनवायरमेंटल साइंस में आपकी 10 सीट है, इंटीग्रेटेड साइंस में आपकी 22 सीट है, और मैथमेटिक्स में आपकी 15 सीट रहने वाली है। यहाँ पर फिजिक्स में 13 सीट, स्टैट्स में आपकी 6 सीट, जूलॉजी में 10 सीट रहने वाली है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में आपकी 11 सीट रहने वाली है, रविंद्र संगीत डांस एंड ड्रामा में आपकी 8 सीट रहने वाली है पीएचडी की। इसके साथ साथ आपके डिजाइन में आपकी यहाँ पर 6 सीट है, डिपार्टमेंट एंड हिस्ट्री आर्ट में आपकी 5 सीट रहने वाली है, यहाँ पर आपकी डिपार्टमेंटल ऑफ रूरल स्टडीज में आपकी 2 सीट, डिपार्टमेंटल ऑफ सोशल साइंस में आपकी 11 सीट, और आपकी डिपार्टमेंट ऑफ लाइव लर्निंग में आपकी 5 सीट, और आपकी शिल्पा एंड अदाना में आपकी 10 सीट रहने वाली है। ये आपका सीट्स का विवरण रहा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपकी 2 सीट, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स में आपकी 3 सीट,
आपके सोशल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपकी 5 सीट, इकोनॉमिक एंटोमी में आपकी 4 सीट रहने वाली है, प्लांट पैथोलॉजी में आपकी 2 सीट, एग्रोनॉमी में आपकी 12 सीट, हॉर्टिकल्चर में आपकी 1 सीट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 5 सीट, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपकी 5 सीट, आपकी क्रॉप साइकोलॉजी में आपकी 1 सीट और फिजिकल एजुकेशन में 1 सीट रहने वाली है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 8 सीट रहने वाली है, फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट रहने वाली है। ये आपके लाइब्रेरी में सोर्सेज आपके दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से आपके सोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपके 8.54 लाख आपकी वॉल्यूम ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत अच्छा लाइब्रेरी यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ आप फीस के भी विवरण देख लें, आपने जो भी आपका PhD का, साइंस का, आपका जो भी आपका ह्यूमैनिटीज के हैं, सोशल साइंसेज के हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितनी फीस आपके पे करनी होगी। आपको वीडियो में सभी चीज़ें, सभी कंटेंट पता लग गया, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बने रहें। आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो का ये आपका जो प्रोस्पेक्टस है ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लें। और आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।